गुड मॉर्निंग सभी को, सुबह की नमस्ते। हरी हर हमारे साथ जुड़ चुके हैं एस के टिबरेवाल भैया, रानी दीदी हैं, राजेश रमानी जी हैं, जनक हैं। बढ़िया, थोड़ी थोड़ी देर में भी बस जुड़ जाएंगे बाकी लोग। रानी शर्मा जी, आप अगर हो सके तो आइए, है ना, आपसे थोड़ा बात करते हैं। कहाँ से हैं आप, और एक मुलाकात हो जाए, मुझे भी पता चले थोड़ा आपके बारे में। रानी शर्मा दीदी, आप हैं अभी अवेलेबल हैं? मुझे लगता है शायद थोड़ा व्यस्त होंगे, है ना। तो चलिए तब तक हम लोग राजेश रमानी भैया जी से मुलाकात कर लेते हैं। राजेश रमानी भैया जी, आप उपलब्ध हैं? तो आइए थोड़ा सा परिचय कर लेते हैं। जी नमस्ते दीदी। नमस्ते नमस्ते। हो सके तो भैया आपका वीडियो ऑन कीजिए। जी हाँ, बढ़िया बढ़िया। जी नमस्ते नमस्ते। जी। कनेक्शन बैठता है, हम किसी को देख पाते हैं ना तो कनेक्शन बैठता है। जी नहीं सही बात है। जी 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 तो भैया थोड़ा सा बताइए अपने बारे में, कहाँ से हैं जी। नहीं वो तो मैंने पहले आपसे बता चुका हूँ, बात हो चुकी है। हाँ, नहीं लेकिन फिर भी थोड़ा सा ग्रुप के लिए मैं सभी को एक एक, हमारे जो व्यक्ति है ना उनको बुला करके बात कर रही हूँ इस समय। जी नहीं जैसे मैंने पिछली बार बताया था, मैं भोपाल से हूँ, एमपी से, जी 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 और केमिस्ट शॉप रही है और इस समय समाज सेवा में ही लगा हूँ, स्कूलों में जाना हाँ रहता है। जी, बढ़िया। मुझे लगता है जी, जो हमारे साथ में भी लोग हैं अभी, ज्यादा नए लोग नहीं जुड़े हैं, है ना, जी तो जी बढ़िया है। तो भैया कैसा चल रहा है अभी इस समय अध्ययन? अध्ययन बढ़िया चल रहा है। आपके माध्यम से जो भी हम प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं उससे और डेप्थ में जाना रह रहा है। जी वीडियोस जैसे कल भी आपने बताया था कि बहुत सारी वीडियोस उपलब्ध हैं, तो हाँ लगभग 1.5-2 घंटे डेली सुनना रहता है कोई ना कोई, यूट्यूब में सोम भैया की या कोई भी, तो और गहराई में जाना होता है। और वाकई उस समझ के लिए नागराज जी को धन्यवाद जाता है कि जो समझ हम तक पहुंचाई उन्होंने, ना बिल्कुल तो कैसे अनदेखे में हम पूरा जीवन अपना निकाल के आ गए। सही बात है। वाकई। और अभी जब स्कूलों में जाना हो रहा है तो जिज्ञासा भी रहती है कि बच्चों तक वो बात कैसे पहुंचाएं, क्योंकि हाँ बच्चों की एज अभी छोटी है उस बात को समझने के लिए, हाँ लेकिन फिर भी कई वैल्यूज के ऊपर काम होता है स्कूलों में, लेकिन लगता बिल्कुल है कि एक बार ट्यूनिंग बच्चों से बन जाएगी तो इस बात को भी पहुंचाना आसान हो जाएगा। बिल्कुल और सही कल का बात है प्रोग्राम भी अटेंड किया गया जिसमें जी। सिर्फ यही समझ में आया कि मेरे से ऐसा कौन सा छोटा सा कदम हो जो वो हाँ कदम मल्टीप्लाई हो सके। सही बात है भैया। कुछ हम लोग बच्चों के साथ भी ना, जैसे हमारे पास यदि बच्चे और उनके अभिभावकों के नंबर वगैरह हो तो एक हम व्हाट्सएप ग्रुप बना करके जी और ये बातचीत जो है ना उसको एक उसका क्रम जारी कर सकते हैं, है ना। ये हो सकता है, पता नहीं कितना कैसी अवेलेबिलिटी होगी उनकी, पर मुझे लगता है शाम में एक सेशन रखना चाहिए जहाँ पर हम ये चर्चा जन संवाद विधि से चर्चा शुरू हो। जी। कई बारी दर्शन का अध्ययन करना है या दर्शन को लेकर के लोगों के अंदर इतनी वो नहीं होती है कि बहुत इच्छा प्रगाढ़ नहीं होती है, पर अपने बच्चों के लिए समस्याओं से निजात हर कोई चाहता है। एक नया प्लेटफॉर्म बन सकता है जिसमें नए जनों का प्रयास रहे, हमारी जो प्रोग्राम का डिजाइन हो वो भी नए जनों के हिसाब से ही हो कि प्रारंभिक स्टेज क्या है और उसमें हम क्या काम कर सकते हैं, नए जन जी उसको सुन के जागृत हो सकें, ये ऐसा नहीं लगता है। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल सही बात अवेयरनेस वाली तो बात है, जितनी अवेयरनेस फैलेगी उस चीज में हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। एक एक यही विधि है। मुझे याद नहीं है, मैंने किसी का एक बार इंटरव्यू देखा था। भैया आपका माइक थोड़ा म्यूट कर लीजिए, वो आ रहा है। हाँ यस, तो मैंने किसी का ये देखा था, इंटरव्यू देखा था, तो उसमें पूछ रहे थे कि हाउ टू गेट रिड ऑफ, लाइक अभी इतना आप लोग आगे बढ़ गए, ब्लैक, देर वॉज सम ब्लैक पर्सन एंड ही वॉज टॉकिंग अबाउट इट, एंड देन एट सम पॉइंट ही सेड
उसे पूछा गया कि रेसिज्म को कैसे खत्म किया जाए, तो उसने कहा इसके बारे में बात करना बंद कर दीजिए। कोई भी मानसिकता है ना, वो विचार के द्वारा बनती है, संवाद के द्वारा बनती है। ये बहुत पहले की बात है, मैंने इस वीडियो को देखा था और वो बात मेरे ध्यान में रह गई कि बिना संवाद के, अगर संवाद को खत्म कर दिया, समझ लीजिए आपने मानसिकता को खत्म कर दिया, मतलब आगे की पीढ़ी में ना उस बात को ही नहीं डाली, वो आएगी ही नहीं उसकी खोपड़ी में। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उसके ध्यान में ये बात आए, तो संवाद करना शुरू कर दीजिए। तो ये एक मुझे ध्यान में आती है बात, हमेशा ध्यान में आती है। बढ़िया, चलिए। तो आज हम लोग राजेश रमानी भैया से बातचीत कर रहे थे, वे एमपी भोपाल से जुड़ते हैं और स्कूलों में जाते हैं और बच्चों के साथ काम करने का कुछ प्रयास कर रहे हैं। बढ़िया, अभी काफी लोग आ गए हैं, हम लोग हमारे आज का जो वीडियो है उसको शुरू करते हैं। अच्छा जी, एक मिनट, कुछ लोग और ज्वाइन होना जो चाहते हैं उन्हें एडमिट कर लीजिए। बढ़िया, स्वागत है सभी का। और आज हम शुरू करने वाले हैं, आज हम जो देखने वाले हैं धरती कहानी की, इस कार्यक्रम के दौरान हम देखने वाले हैं जो इस धरती पर मौसम बने हैं ना, ये कैसे बने, मौसमों का क्या प्रयोजन है ना, इन सारी बातों को जानेंगे। तो चलिए आपके साथ शेयर करते हैं, एक मिनट ये जरा। अंतरिक्ष से पहली बार हमने इस खूबसूरत ग्रह को कुछ इस तरह देखा। कहीं हरी भरी धरती थी तो कहीं बड़े बड़े महासागर, लेकिन इस ग्रह पर कुछ और भी था, वो था वायुमंडल। करीब 4.5 अरब वर्ष पहले हमारे सौर मंडल की उत्पत्ति हुई। बुध और शुक्र के बाद पृथ्वी सूर्य से तीसरे स्थान पर है। पृथ्वी के बाद है रेड प्लैनेट यानी मंगल ग्रह। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल का शुरुआती वायुमंडल हीलियम और हाइड्रोजन से बना था। इन ग्रहों के सूर्य के नजदीक होने के कारण इनका तापमान भी अधिक था। इस वजह से इनके प्रारंभिक वायुमंडल के हल्के एलिमेंट्स हाइड्रोजन और हीलियम अंतरिक्ष में चले गए और इसके बाद इन ग्रहों पर उत्पत्ति हुई नए वायुमंडल की। लेकिन इन ग्रहों में सिर्फ पृथ्वी का वायुमंडल ही ऐसा था जो जीवन के लिए सहायक बन सका। पृथ्वी का प्रारंभिक वायुमंडल ज्वालामुखी से निकलने वाले गैसों से बना था और इस प्रारंभिक वायुमंडल में आज की तुलना में हजारों गुना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड था। पौधों और शैवाल द्वारा की जाने वाली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अर्थात फोटोसिंथेसिस द्वारा मुख्य रूप से परमाणुक ऑक्सीजन अस्तित्व में आया। पृथ्वी पर ऑक्सीजन गैस का स्तर कुछ 1.8 अरब वर्ष पहले बढ़ना शुरू हुआ और धीरे धीरे बढ़ते हुए आज 21 तक पहुंच गया है।
ओजोन का निर्माण स्ट्रेटोस्फीयर में ऑक्सीजन द्वारा होता है। ओजोन परत की उत्पत्ति स्वयं अल्ट्रावायलेट किरणों के द्वारा होती है। जब ये तीव्र शक्तिशाली अल्ट्रावायलेट किरणें ऑक्सीजन कणों पर पड़ती हैं, तो वो दो परमाणुओं या एटॉमिक ऑक्सीजन में विभाजित हो जाते हैं। ये स्वतंत्र परमाणु दूसरे ऑक्सीजन कणों से जुड़कर ओजोन कण का निर्माण करते हैं। हमारे वातावरण में ऑक्सीजन इतना है जिसके कारण ये शक्तिशाली अल्ट्रावायलेट किरणें स्ट्रेटोस्फीयर में स्थित ओजोन लेयर द्वारा अवशोषित हो जाती है। यह हमें सूर्य की खतरनाक पराबैंगनी किरणों से बचाता है। पृथ्वी का वर्तमान वायुमंडल पृथ्वी की सतह से कई परतों में विभाजित है। पृथ्वी के वायुमंडल की निम्नतम परत को ट्रोपोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। इसी परत में जलवायु संबंधी सभी प्रक्रियाएं या घटनाएं घटती हैं। ट्रोपोस्फीयर की मोटाई 8 किलोमीटर से लेकर 16 किलोमीटर तक हो सकती है। ट्रोपोस्फीयर की सीमा को ट्रोपोपॉज कहते हैं। यहां तापमान स्थिर रहता है। ट्रोपोस्फीयर के ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर की परत होती है। सामान्यतः ट्रोपोस्फीयर का तापमान ऊंचाई के साथ घटता जाता है। पर्वत की चोटी घाटी की तुलना में कहीं ज्यादा ठंडी होती है। ट्रोपोस्फीयर वायुमंडल की ऊपरी परतों की तुलना में ज्यादा सघन होता है। वायुमंडल मुख्य रूप से 78% नाइट्रोजन का और 21% ऑक्सीजन का बना है। दूसरे गैसों की मात्रा वायुमंडल में अपेक्षाकृत बहुत कम है। किसी खास समय और स्थान पर वायुमंडल की दशा या अवस्था को मौसम अर्थात वेदर कहते हैं। अधिकतर मौसमी घटनाएं वायुमंडल की निचली परत यानी ट्रोपोस्फीयर में घटती हैं। वायुमंडल के लगातार गतिशील होने से मौसम में बदलाव आता है। दिन के वक्त धरती की सतह सूर्य की किरणों से गर्म होती है। यही कारण है दिन में पृथ्वी की सतह पर सागर की सतह की तुलना में अधिक गर्मी होती है। समुद्र और धरती की सतहों के तापमान में काफी विषमता होती है, जो मध्य दोपहर में सबसे ज्यादा होती है। जब धरती से गर्म हवा ऊपर की ओर जाती है तो वहां कम दबाव वाला क्षेत्र बन जाता है और समुद्र से ठंडी हवा अंदर की ओर आगे बढ़ती है। यही कारण है दिन में प्रायः महासागर से तट की ओर सी ब्रीज सागरीय हवा बहती है। सूर्यास्त के बाद स्थिति उल्टी होती है। सूर्यास्त के बाद समुद्र की तुलना में धरती जल्दी ठंडी होती है। समुद्री सतह के ऊपर की हवा गर्म होने की वजह से ऊपर उठती है। इससे वहां कम दबाव वाला क्षेत्र बनता है। अब हवा चलती है धरती से समुद्र की ओर। इसे लैंड ब्रीज कहते हैं। जहां पर्वत और घाटी होती है वहां हवा की एक खास प्रकृति होती है जिसे पर्वती हवा और घाटी हवा कहते हैं। दिन के वक्त पर्वत अपने आसपास की हवाओं को गर्म करते हैं, इसलिए उनकी चोटी पर कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है। अब घाटी से हवाएं चोटी की ओर बहती हैं। इस हवा को घाटी हवा या वैली ब्रीज कहते हैं। इसके विपरीत शाम के वक्त पर्वतीय ढलान अपने आसपास की हवा को ठंडा करते हैं और वहां अधिक दबाव का क्षेत्र बन जाता है। अब हवा पर्वत से घाटी की ओर बहती है। इस हवा को पर्वतीय हवा या माउंटेन ब्रीज कहते हैं। हवा की आर्द्रता या नमी से हम सभी वाकिफ हैं। हम इसका प्रभाव प्रायः हर दिन देखते हैं। वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्वारा पानी धरती की सतह से वायुमंडल में घुल जाते हैं।
ये संघनन की प्रक्रिया द्वारा धरती पर वर्षा के रूप में लौट आता है। वाष्पीकरण और संघनन की इस पूरी प्रक्रिया को जलीय चक्र या हाइड्रोलॉजिक साइकिल कहते हैं। पानी के अणु धरती की सतह से निकलकर वायुमंडल में घुलने की पूरी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। हवा वाष्पीकृत जल को हर भाग में पहुंचाती है और इस तरह हवा की आर्द्रता पूरी पृथ्वी पर फैलती है। जल वाष्प ऊपर की ओर उठते हैं और ठंडा होकर छोटे छोटे बर्फ के कण में परिवर्तित होते हैं। लाखों हजारों बर्फ के कण एक साथ बादल के रूप में दिखाई पड़ते हैं। वायुमंडल में जल वाष्प के बढ़ने से वायुमंडल की हवा उन्हें और अधिक देर तक नहीं थाम पाती है। और ये बूंदें बारिश के रूप में नीचे गिरती हैं। फिर वर्षा या हिमपात भी होते हैं। वर्षा बर्फ या हिमपात गिरना वायुमंडल की परिस्थिति पर निर्भर करता है। किसी क्षेत्र में कई वर्षों से रहने वाले औसत मौसम की स्थिति को जलवायु या क्लाइमेट कहते हैं। उष्ण कटिबंध में सूर्य की किरणें लंबवत रूप से पड़ती हैं। यही कारण है कि उष्ण कटिबंध की जलवायु गर्म और आर्द्र होती है। वहां हवा के लंबवत रूप से ऊपर उठने तथा संघनन के कारण काफी वर्षा होती है और कभी कभी आंधी तूफान भी आते हैं। उष्ण कटिबंध में सूर्य का प्रकाश अधिक पहुंचता है, यहाँ वर्षा भी अधिक होती है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में पेड़ पौधे अधिक फलते फूलते हैं। उष्ण कटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं उनमें शामिल हैं ब्राजील का अमेजन बेसिन, पश्चिम अफ्रीका का कांगो बेसिन और इंडोनेशिया। ध्रुवीय क्षेत्र पूरे वर्ष निरंतर हिम और बर्फ से ढके रहते हैं। उच्च अक्षांश या हायर लैटिट्यूड वाले क्षेत्र में सूरज की किरणें तिरछी पड़ती हैं। इस वजह से इन क्षेत्रों का तापमान भी कम रहता है। ध्रुवीय प्रदेश या पोलर रीजन में 6-6 महीने तक सूरज नहीं निकलता है। इस समय तापमान बहुत कम होता है। अंटार्कटिका में अभी तक न्यूनतम तापमान -88 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र के अंतर्गत जगह जगह बर्फ से ढके आर्कटिक महासागर, ग्रीनलैंड महाद्वीप, उत्तरी कनाडा और उत्तरी साइबेरिया के क्षेत्र आते हैं। दक्षिणी गोलाई में अंटार्कटिका महाद्वीप का वृहत पर्वतीय क्षेत्र बर्फ से ढका है और बर्फ की मोटाई कई किलोमीटर तक होती है। ध्रुवीय जलवायु शुष्क होती है। ध्रुवीय हवाओं में आर्द्रता की कमी बादलों और हिम वर्षा के बनने में रुकावट का काम करती है। इससे बिल्कुल भिन्न होती है रेगिस्तान की जलवायु जो गर्म होती है। दोनों गोलार्धों में 18 डिग्री से 28 डिग्री के बीच यानी लो लैटिट्यूड वाले क्षेत्रों में रेगिस्तानी जलवायु देखने में आती है। यहाँ हवाएं हल्की और गर्म होती हैं, जिनकी वजह से वाष्पीकरण अधिक होता है। इन क्षेत्रों में वर्षा बहुत कम होती है, लगभग नहीं के बराबर। उत्तरी चिली में एटाकामा रेगिस्तान पृथ्वी का सबसे शुष्क प्रदेश है। इस रेगिस्तान के कुछ क्षेत्रों में तो सदियों से बारिश नहीं हुई है, लेकिन भारत का चेरापूंजी विश्व में सबसे अधिक वर्षा के लिए मशहूर है। चेरापूंजी में इतनी वर्षा का कारण है भारतीय मॉनसून। चेरापूंजी सागर के तल से 1290 मीटर की ऊंचाई पर है और यहाँ
1270 सेंटीमीटर जितनी वर्षा प्रतिवर्ष होती है। साउथ वेस्ट मानसून भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे ग्रीष्म मानसून भी कहा जाता है, जो जून से सितंबर तक रहता है। महत्वपूर्ण भारतीय रेगिस्तान तथा पूर्वी और केंद्रीय भारत से सटे हुए भारतीय उपमहाद्वीप के प्रदेश गर्मियों के दिनों में काफी ज्यादा गर्म हो जाते हैं। इसकी वजह से उत्तरी और केंद्रीय भारतीय उपमहाद्वीप का क्षेत्र कम दबाव वाला क्षेत्र हो जाता है। भारत के दक्षिणी हिस्से से अंटार्कटिका तक हिंद महासागर फैला हुआ है। महासागर से हवाएं भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंचती है और साथ में ले आती है आर्द्रता। इसे दक्षिण पश्चिम ग्रीष्म मानसून कहते हैं। सितंबर के आसपास जब सूरज दक्षिण की ओर आता है तो भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तरी क्षेत्र तेजी से ठंडा होने लगता है। जब सूरज दक्षिण की ओर जाता है तब हिंद महासागर गर्म होता है और वहां का दबाव कम होता है। हवाएं भारतीय उपमहाद्वीप से हिंद महासागर की ओर बहने लगती हैं। ये हवाएं जब बंगाल की खाड़ी से गुजरती हैं, तो अपने साथ आर्द्रता लेकर आगे बढ़ती हैं। यही है उत्तर पूर्वी मानसून। ट्रेड विंड या व्यापारिक हवाएं पृथ्वी के भूमध्य रेखीय वातावरण को प्रभावित करती हैं। पृथ्वी के अपने धुरी में घूमने और गर्म हवाओं के क्रमशः भूमध्य रेखा से दूर चले जाने के कारण पृथ्वी की हवाओं में गति होती है। भूमध्य रेखीय प्रदेश में हवाएं पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। समुद्र के ऊपरी सतह पर सूर्य की किरणों के सीधे पड़ने से ऊपरी सतह भीतरी सतह की अपेक्षा अधिक गर्म रहती है। साधारणतः भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर से चलने वाली ट्रेड विंड या व्यापारिक हवाएं समुद्र के ऊपरी सतह के पानी को साउथ अमेरिका के समुद्र तट से इंडोनेशिया तक ले जाती। साउथ अमेरिका के समुद्र तट के सतह से गर्म पानी के पश्चिम दिशा में चले जाने के कारण उस स्थान पर ठंडा पानी भीतर से ऊपर सतह पर आता है। समुद्र के ऊपरी सतह के पानी के गर्म होने से वायु में वाष्प की मात्रा अधिक हो जाती है, जिस कारण इंडोनेशिया के तटीय इलाकों में वर्षा अधिक होती है। ठीक इसके विपरीत समुद्र की सतह पर ठंडे पानी के होने के कारण साउथ अमेरिका के तटीय इलाकों में वर्षा नहीं होती है, लेकिन हर 2 से 7 वर्ष के अंतराल में क्रिसमस के समय मौसम की इस प्रक्रिया में चरम बदलाव आता है। पूर्व से पश्चिम दिशा में चलने वाली ट्रेड विंड या व्यापारिक हवाएं पहले की अपेक्षा क्रमशः धीमी और शक्तिहीन हो जाती है, जिस कारण इंडोनेशिया के पश्चिमी तट से गर्म समुद्री जल साउथ अमेरिका की ओर बहने लगता है। इसके फलस्वरूप साउथ अमेरिका के समुद्र तट पर वायु में वाष्प की मात्रा अधिक हो जाती है और वहां अधिक वर्षा होती है। इसे एल नीनो कहते हैं। ठीक इसके विपरीत इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में वर्षा नहीं होती है। एल नीनो की विपरीत घटना है ला नीना। ला नीना में पूर्वी ट्रेड विंड या व्यापारिक हवाएं उष्ण कटिबंधीय प्रशांत महासागर के ऊपर बहुत तेज गति से बहती हैं। पूर्वी ट्रेड विंड या व्यापारिक हवाओं के इस तेज गति से बहने के कारण ऊपरी सतह के नीचे बहने वाले ठंडे पानी ऊपर की ओर अधिक मात्रा में उठ जाते हैं, लेकिन दक्षिण पूर्वी अमेरिका में वाष्प की मात्रा समुद्र में गर्म पानी के अधिक हो जाने के कारण बढ़ जाती है, जिस कारण दक्षिण पूर्वी एशिया और भारत में आंधी तूफान एवं वर्षा होती है। किसी क्षेत्र विशेष की जलवायु महासागर की धाराओं पर भी निर्भर करती है। उत्तर अटलांटिक महासागर के ऊपरी सतह का पानी ठंडा हो जाता है ध्रुवीय क्षेत्र से आने वाली हवाओं के द्वारा। यह ठंडा पानी अधिक खारा और घना होने के कारण समुद्र की सतह के नीचे बहता है। यह ठंडा पानी क्रमशः भूमध्य रेखा की ओर बढ़ता रहता है और गर्म होता रहता है।
ठंडे पानी के भूमध्य रेखा की ओर बढ़ने के कारण गल्फ ऑफ मेक्सिको से गर्म पानी नॉर्थ अटलांटिक की ओर बढ़ता रहता है। इसे गल्फ स्ट्रीम कहते हैं। ये गल्फ की धारा उत्तर पश्चिम यूरोप में आरामदायक उष्णता और दक्षिण और उत्तरी अमेरिका में ठंड लाती है। पृथ्वी के ऑर्बिटल पाथ और एक्सिस में परिवर्तन के कारण मौसम में बदलाव होता है। करीब 1,00,000 वर्ष के अंतराल में पृथ्वी का ऑर्बिटल पाथ एलिप्टिकल से लगभग सर्कुलर हो जाता है और फिर सर्कुलर से पहले की तरह एलिप्टिकल हो जाता है। जब एलिप्टिकल ऑर्बिट में पृथ्वी सूर्य के सबसे करीब होती है तो इस स्थिति को पेरिहीलियन और सबसे दूर की स्थिति को एफेलियन कहते हैं। जब पेरिहीलियन और एफेलियन के बीच की दूरी सबसे कम होती है तब बहुत अधिक गर्मी और कम सर्दी दोनों गोलार्ध में पड़ती हैं। जबकि सबसे अधिक दूरी होने पर दोनों गोलार्ध में कम गर्मी और अधिक सर्दी रहती है। वर्तमान में पृथ्वी की अक्षरेखा का झुकाव 23.5 डिग्री लंबवत है। समय के साथ साथ ये झुकाव 21.1 डिग्री से 24.5 डिग्री तक हो जाता है, जिस कारण मौसम में बदलाव आता है। लगभग 26,000 वर्ष के अंतराल में पृथ्वी की धुरी के घूमने की दिशा परिवर्तन यानी प्रेसिशन के कारण मौसम में बदलाव होता है। पृथ्वी की सतह पर महाद्वीपों की स्थिति भी बदलती है और इन बदलाव की वजह से पृथ्वी की जलवायु भी समय के साथ बदलती रहती है। आज मानव वायुमंडल को प्रदूषित कर रहा है। ग्रीन हाउस गैस की मात्रा वायुमंडल में बढ़ रही है। इस वजह से पूरी पृथ्वी गर्मा रही है और ग्लोबल वार्मिंग जैसा संकट हम पर मंडरा रहा है। ये कोई भविष्य की परलय की चेतावनी नहीं है, बल्कि ये मानव जाति के लिए सचेत होने का वक्त है। क्या बात है, जबरदस्त वीडियो है ना। जिन लोगों ने नए ज्वाइन हुए हैं उन सभी का स्वागत। और वीडियो तो बहुत जबरदस्त था, है ना, कि धरती पर मौसम किस विधि से होते हैं। मैं आपको विज्ञान की जो परिभाषा बाबा जी ने लिखी है उसको पढ़ करके सुनाती हूँ। लिखा है, कालवादी, क्रियावादी, निर्णयवादी, क्रिया समुच्चय। समुच्चय मतलब इन तीनों को साथ में देखना, इनका एक सेट है ना, सीइंग इट टुगेदर। कालवादी मतलब समय, यदि हम समय के हिसाब से देखें, है ना, अगर हम समय को अपने विचार में लाएं और उस हिसाब से अब हम ऑब्जर्व करें। कालवादी, क्रियावादी, है ना, जब हम एक्टिविटी को देखें। और निर्णयवादी, है ना, कि किसी भी चीज का निर्धारण कैसे हो रहा है। जैसे एक तो निर्धारण कैसे हो रहा है, मतलब कि दिशा का निर्धारण कैसे हो रहा है ना, कि जैसे हवाएं हैं, गर्म हवा जो है वो ऊपर उठेगी, ठंडी हवा जो है वो नीचे जाएगी, है ना, पानी है जो वो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, ये इन सब चीजों को क्या कह रहे हैं, तो विज्ञान कह रहे हैं, ठीक है। और देखिए एक शब्द और लिखा है, विश्लेषण क्रिया। विश्लेषण क्रिया, विश्लेषण, है ना, श्लेषण शब्द बना है श्लेष्मा, श्लेष्मा मतलब चिपकाओ। जो चीजें हैं वैसे तो सह अस्तित्व है ना, सह सत्ता में संपृक्त इकाइयां, ठीक, कुल मिलाकर के इतना सह अस्तित्व। लेकिन इन सब को एक एक को अलग अलग करके देखना है, एक एक इकाई को पहचानना, एक एक अवस्था को पहचानना, उन अवस्थाओं में पूरकता को पहचानना, इन सभी को क्या बोला है, विश्लेषण, है ना। इसलिए तर्क क्षमता, अनुमान क्षमता हमारे पास है, इसलिए विश्लेषण क्रिया हमारी चलती रहती है और इस विधि से हम जागृति तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो विज्ञान की परिभाषा क्या है, देखिए सहअस्तित्ववाद के हिसाब से, कालवादी, क्रियावादी, निर्णयवादी, क्रिया समुच्चय और विश्लेषण क्रिया।
विश्लेषण करने वाली इकाई कौन? तो चैतन्य इकाई अर्थात मानव, है ना। फिर उसके बाद नीचे लिखा है कालवादी ज्ञान, क्रियावादी ज्ञान एवं निर्णयवादी ज्ञान। कई बारी जब हम पढ़ते हैं ये या सुनते हैं सहअस्तित्ववाद को, ऐसा लगता है विज्ञान दिशा का निर्धारण करेगा। नहीं भैया, जो विज्ञान है वो इसी बात का ज्ञान है कि इस अस्तित्व में दिशा कैसे निर्धारित हो रही है। इनको पहचानने के फलस्वरूप निर्वाह करना होगा। तो निर्वाह किस आधार पर होगा? निर्णय लेने के आधार पर, है ना। निर्णय क्यों लेना है? क्योंकि जब व्यवस्थाएं बनेंगी, मतलब व्यवस्थाएं बनेंगी नहीं, देखिए व्यवस्थाएं तो हैं, मानव पहचानेगा और उसके हिसाब से जो हमने संस्थाएं वगैरह खड़ी कर ली है ना व्यवस्थाओं के नाम पर, तो वो पूरकता के अर्थ में निर्णय ले पाएंगी। ठीक है, अभी आपको ये बात स्पष्ट होती है? ध्यान दीजिए, इस अस्तित्व में हमारे पहले की सभी अवस्थाएं जो हैं वो पूर्ण हैं, है ना। पूर्णता की पहचान होगी और उसका निर्वाह होगा। कोई पहाड़ कितना ऊंचा है ये पूर्णता में है, ठीक है। ढलान है, ऊंचाई है, लंबाई है, चौड़ाई है, ये सब चीजें परफेक्ट हैं, ठीक। सभी भिन्नताओं के अपने प्रयोजन है, है ना। हर एक चीज कितनी लंबी चौड़ी ऊंची है, हर एक चीज का प्रयोजन है। इन सब प्रयोजन का अध्ययन जो है वो हम विज्ञान में कर रहे हैं। अभी तक जो हमने 18 वीडियो देखे वहां से एक निष्कर्ष बिल्कुल स्पष्ट समझ में आता है कि अस्तित्व में एक दिशा है, है ना। जो भी चीजें हो रही हैं, घट रही हैं, वो किसी अग्रिम जो अवस्था है अर्थात इस हमारे लिए ज्ञान अवस्था की जो इकाइयां हम हैं उनके लिए उपयोगी होने के अर्थ में हमें ये दिखाई पड़ती है। तो दिशाएं निर्धारण करनी नहीं है, दिशाएं भी निर्धारित हैं, उन दिशाओं को पहचानना है। जैसे मैंने कहा ना, गर्म हवा जो है वो ऊपर उठ रही है, ये दिशा निर्धारित है। पानी ऊपर से नीचे बह रहा है, दिशा निर्धारित है। धरती कभी एक समय पर अपने आप दूर जाने लगती है, सूरज से कभी उसके पास आने लग जाती है, निर्धारित है ना। उसकी वर्तुलात्मक गति, उसकी घूर्णन गति, ये सभी निर्धारित है। इन्हें निर्धारित करना नहीं है। विज्ञान मतलब इस बात को, इन कालवादी क्रियावादी इन चीजों को हमें समझ लेना, इसको ऑब्जर्व करके समझना और ऑब्जर्वेशन के फलस्वरूप पूरक हो पाना, है ना, निर्वाह करने के अर्थ में निर्णय ले पाना। ठीक है, बढ़िया। चलिए तो अब हम आगे आज का पठन शुरू करते हैं। ठीक है, हमने लगभग क्रियाओं को हमने देख लिया था। ठीक है, जीवन, ठीक है। मैं थोड़ा सा, मेरे ध्यान में से हट गया है कहाँ तक हम हो गया था, मुझे लगता है यहां से पढ़ना है। चलिए, शायद एक मिनट रुकिए मैं देख लूं। नमस्ते दीदी। नमस्ते, कहाँ तक पढ़ लिया था? ये पढ़ लिया था क्या? ये यहाँ से चालू करना है। शिशु का शरीर गर्भ में बनता है। हाँ, और ठीक है। हाँ ठीक है, सुमन भाभी धन्यवाद, मैं मेरे ध्यान से उतर गया था। हाँ, यहाँ से चालू करना दीदी। जी 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 जी, बढ़िया, धन्यवाद। सुमन भाभी एकदम खूब ध्यान से पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है ना। बढ़िया, शिशु का शरीर गर्भ में, चले देखते हैं। दीदी आपका पेज नंबर अलग आती है, हमारे में पेज नंबर अलग आती है। जहाँ पे वो है ना, प्रिय हित लाभ के आधार पर संवेदनशील पे आधारित है ये। हाँ, मुझे लगता है जीवन अपने से सदा से शिशु काल से ये है। यार रुकिए एक सेकंड। हाँ बस बस बस, मिल गया। वही वही, ओके ओके। चलिए धन्यवाद, शुरू करते हैं पठन को। कह रहे हैं, शिशु का शरीर गर्भ में बनता है, उसे कोई ना कोई जीवन चलाता है, है ना। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं कि जो शरीर है वो लगभग शिशु का जो शरीर है 4.5 महीने के बाद, जब बच्चा जैसे ही जीवन शरीर में आता है, उस भ्रूण को स्वीकार कर लेता है, उसके फलस्वरूप एक्टिविटी की फीलिंग आती है। सबसे पहले माताओं को गर्भ में बच्चे के घूमने का कुछ थोड़ा भास आभास होता है, ठीक है। तो शिशु का शरीर गर्भ में बनता है और उसे कोई ना कोई जीवन चलाता है। तो सहअस्तित्ववाद में ऐसा बताया कि जैसे ही हलन चलन महसूस होता है, अर्थात शरीर में
जीवन, उस शरीर को जीवन ने स्वीकार कर लिया, उसमें आ गया। अलग अलग जगहों पर अलग अलग मान्यता है, लेकिन सहअस्तित्ववादी विचार में इस बात को बाबा जी ने कहा है। जीवन प्रकृति में है ही, ठीक है, जीवन प्रकृति में है ही, मतलब ये जो धरती की, ये जो धरती को पूरी प्रकृति यहाँ पर कह रहे हैं, तो जीवन प्रकृति में है ही। शरीर को जीवन चौथे पांचवें महीने में चलाना शुरू कर देता है। इस प्रकार शरीर और जीवन का संयोजन गर्भाशय में ही हो जाता है। ये जो संयोजन है ना, ये गर्भाशय में ही हो जाता है। जीवन शरीर नहीं है, हमें पता है जीवन क्या है, गठनपूर्ण परमाणु। जीवन शरीर नहीं है, यह पहचानने की बात इस प्रकार है। शरीर के किसी भी अंग अवयव में न्याय की, धर्म की, सत्य की प्रतीक्षा अपेक्षा नहीं है, किंतु हम हर मानव से न्याय की, व्यवस्था की, सत्य की अपेक्षा प्रतीक्षा करते ही हैं, है ना। अगर हम अपनी इस जड़ जड़ हिस्से को देखते हैं, जड़ प्रकृति से जो बना हमारा शरीर है, अगर इसे देखने जाते हैं, तो अगर हम कहेंगे क्या हमारे हाथ को न्याय की अपेक्षा है, तो अंदर से ही आवाज आएगी नहीं, है ना। क्या इसे धर्म की आवश्यकता है, तो आवाज आएगी कि नहीं, है ना। इसको बाबा जी कह रहे हैं, शरीर के किसी भी अंग अवयव में न्याय की, धर्म की, सत्य की प्रतीक्षा अपेक्षा नहीं है, और भास विधि से हर मानव इस बात को चेक कर सकता है। किंतु हम हर मानव से, मानव जहां पर भी लिखा है, तो उसे कैसे समझेंगे, शरीर और जीवन का संयुक्त रूप के अर्थ में। यदि जीवन अलग हो जाता है, तो शरीर में ये अपेक्षाएं कहीं दिखाई पड़ती नहीं है। किंतु हम हर मानव से न्याय की, व्यवस्था की, सत्य की अपेक्षा प्रतीक्षा करते ही हैं। अभी आपको न्याय सत्य तो समझ में आ रहा होगा, व्यवस्था को एक तरीके से और कहती हूँ। व्यवस्था होना अर्थात व्यवस्थित होना, व्यवस्थित होना अर्थात समाधानित होना, मतलब आप जो हैं, जैसे हैं, जहां हैं, हर एक दिशा कोण परिपेक्ष, है ना, हर एक आयाम में जो है आप समाधान को प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक। जैसे कि इस अस्तित्व की जब हम अनुक्रम को देखते हैं, विकास क्रम, विकास में देखते हैं, तो पाते हैं कि प्रत्येक इकाई जो है, जैसी है, जहां है, है ना, वहां पर हर एक, है ना, उससे जुड़ी हर एक इकाई के लिए, उससे जुड़ी हर एक इकाई के लिए वो क्या है, व्यवस्था स्वरूप है, समाधान स्वरूप है, उसका होना रहना समस्या नहीं है, इसको बोल रहे हैं व्यवस्था। तो किंतु हम हर मानव से न्याय की, व्यवस्था की, सत्य की अपेक्षा प्रतीक्षा करते ही हैं। इन अपेक्षाओं का पूरा होना ही जीवन की 10 क्रियाओं को प्रमाणित करना है, है ना। ये अपेक्षाएं जिस दिन पूरी हो जाएंगी, ये प्रतीक्षा जिस दिन खत्म हो जाएगी, उसे कह रहे हैं 10 क्रियाओं को प्रमाणित कर दिया। शरीर को जीवंत रहने के लिए शरीर में जीवन होना जरूरी है, ठीक, ये बात हमें समझ में आती है। जीवन अपने से, सदा से, शिशुकाल से मन की 2 क्रियाओं, चयन और आस्वादन को शुरू करता है। 4.5 महीने करीब में बच्चा जो है, है ना, जो शरीर है, जो भ्रूण है, वो जीवन के साथ अपने आप को संयोजित करता है। उसके बाद, है ना, आप पाएंगे उसके बाद ही मदर्स को क्रेविंग्स शुरू हो जाती हैं। क्रेविंग्स मतलब वो कुछ फूड क्रेविंग्स होती हैं कि मुझे ये खाने का मन कर रहा है, वो खाने का मन कर रहा है। तो एक जीवन का दूसरे जीवन पर प्रभाव भी पड़ता ही है, इस विधि से क्रेविंग्स होती हैं। जीवन अपने से, सदा से, शिशुकाल से मन की 2 क्रियाएं, है ना, चयन आस्वादन की क्रिया कहां से शुरू होती है, तो मन से शुरू होती है। तो मन की 2 क्रियाओं चयन आस्वादन को शुरू करता है। विश्लेषण और तुलन में विश्लेषण तो करता ही है, ठीक है, तुलन में केवल प्रिय हित लाभ के आधार पर ही करता है। अभी जो तुलन है वो प्रिय हित लाभ के आधार पर ही करता है, यही पीड़ा भी है, है ना, और यही इस बात का भी प्रमाण है कि अभी हम जीव चेतना से गतित हैं। चित्त की एक क्रिया चित्रण को हम करते ही हैं। चित्रण क्रिया के कारण मानव अपना सामान्य आकांक्षा और महत्वाकांक्षा की समस्त वस्तुओं को चित्रित कर लिया है और उसको प्राप्त कर लिया है। तो इतनी हमारी पूंजी के फलस्वरूप 4.5 क्रियाएं हमारी बढ़िया एक्टिव हैं, है ना, एकदम सक्रिय हैं, और इन्हें आसानी से कर पाते हैं। प्राप्त करने के बाद भी हम व्यवस्था तक नहीं पहुंचे, तो अब सारे चित्रण किसके होते हैं,
तो सारे चित्रण जैसा हम स्वयं को माने रहते हैं उस आधार पर ही होते हैं। शरीर माने रहते हैं तो शरीर मानने के आधार पर हमारी सामान्य आकांक्षा जो है आहार आवास अलंकार के रूप में, और जो हमारी महत्वाकांक्षा है दूर दर्शन दूर गमन दूर श्रवण के रूप में, इतने का ही चित्रण कर पाए और उनको पूरा भी कर लिया है। ठीक, पूरा इसलिए कर लिया है क्योंकि हम कल्पनाशील हैं ही, और हमारा, मैंने जैसे आपको बताया था, हमारे हाथों का डिजाइन ऐसा है, हाथों का आकार प्रकार ऐसा बन चुका है कि हम चीजों को बना सकते हैं। लेकिन ऐसा करने के बाद भी हम व्यवस्था तक नहीं पहुंचे। व्यवस्था अर्थात स्वयं में समाधान, आपका आप जो हैं जहां हैं जैसे हैं ना, उस अर्थ में सभी सभी दिशा कोण आयाम में आप समाधान को व्यक्त करें, इसको कह रहे हैं व्यवस्था। आदर्शवाद शुभ कल्पना अनेक प्रकार से प्रस्तुत किया। ठीक है, फिर कह रहे हैं आदर्शवाद में क्या हुआ है अभी तक, तो आदर्शवाद की अच्छाई ये रही कि शुभ कल्पना के रूप में, है ना, कल्पनाएं भी शुभ अशुभ हैं। ठीक, तो कल्पना में भी आप अच्छा खराब विचार करें, लेकिन आदर्शवाद जो है शुभ कल्पना विधि से बहुत सारी बातों को प्रस्तुत किया। जैसे वो कहता रहा आपको सच बोलना चाहिए, है ना, हर हर एक व्यक्ति को अपने से बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए, इस विधि से काफी बात अनेक प्रकार से प्रस्तुत किया। भौतिक और उन्माद त्रय, है ना, पूर्वक सुविधा संग्रह प्रवृत्तियों का शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम के लोक व्यापीकरण में सफल होते हुए भी सबको सुविधा संग्रह सुलभ नहीं हुआ। कह रहे हैं आदर्शवाद तो शुभ कल्पना के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया, भौतिकवाद जो है वो प्रयास के रूप में प्रस्तुत किया। तो क्या किया उसने, भौतिक और उन्माद त्रय पूर्वक, है ना, उन्माद त्रय क्या है, लाभोन्माद भोगोन्माद और कामोन्माद। खूब, है ना, सब हमेशा हर एक स्थिति में हमें लाभ होता रहे, कामोन्माद, है ना, हम जो कामनाएं कर रहे हैं वो सब कामनाएं सबकी कामनाएं पूरी हो जाए, ऐसा ये कामोन्माद, है ना, और भोगोन्माद, हर व्यक्ति, है ना, अनेक प्रकार से भोगे, है ना, बहुभोग, है ना, और अधिभोग, जितना अधिक से अधिक भोग सकते हैं और जितना वैरायटी से भोग सकते हैं, ये सब कल्पनाओं को क्या कह रहे हैं, ये उन्माद की तरह एक हम देख ही पाते हैं, है ना, हम में है ही। भौतिक और उन्माद त्रय पूर्वक, तीन उन्माद, लाभोन्माद भोगोन्माद कामोन्माद, ऐसे उन्माद त्रय पूर्वक सुविधा संग्रह प्रवृत्तियों का, है ना, सुविधाएं हो जाएं, है ना, और हम खूब संग्रह कर लें, ऐसी प्रवृत्तियां इनका शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम, है ना, LIC जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, ठीक है, ऐसा कुछ संग्रह की प्रवृत्तियां शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम के लोक व्यापीकरण में सफल होते हुए भी सबको सुविधा संग्रह सुलभ नहीं हुआ। तो इस विधि से जो हम शिक्षा कर रहे हैं कि खूब अधिभोग हो, खूब भोग, अधिक से अधिक वैरायटी से हम भोग लें, इसका चाहे एडवर्टीजमेंट विधि से हो, चाहे अभी सामान्य जनमानस में जैसा संवाद होता है, है ना, जैसे मैंने कहा था, आप ये ऑब्जर्वेशन कीजिए कि जब आप किसी को कंग्रेचुलेशंस बोलते हैं, है ना, जब हम कहते हैं कि वाह भाई आपने बहुत बढ़िया काम किया, बधाई हो, है ना, आपका आपने ये काम कर लिया, आपको ये हुआ वो हुआ, हर उस समय जरा आपने आपको देखिए आपने किस बात की बधाई किसी को दे दी। ठीक है, सो इस एक तो जन संवाद की तरह से, और बहुत सारा अनसेड, है ना, बिना कही हुई भी चीजें हैं जो हमारे समाज में प्रचलित हैं, इस प्रकार से शिक्षण प्रशिक्षण चल रहा है। और बाकी शिक्षा तो है ही, जिसका अंतिम प्रयोजन क्या है कि हमारे बच्चे की नौकरी लग जाए, अधिक से अधिक नौकरी, मतलब अधिक से अधिक एक मोटी कमाई हो, जिसके फलस्वरूप क्या हो, तो सुविधाएं खूब सारी इकट्ठा कर ले और फिर बैंक बैलेंस बहुत सारा इकट्ठा कर ले। तो कह रहे हैं ऐसा सब कुछ कर दिया, और भौतिकवाद ने खूब सारी वस्तुएं भी बना दी, है ना, लेकिन कह रहे हैं आज भी सबको सुविधा संग्रह तक उपलब्ध हुआ नहीं है। ये भी सोचने की बात है, अभी भी लोग गरीबी रेखा से नीचे जी ही रहे हैं। इन्हीं आगे कह रहे हैं, इन्हीं उपलब्धियों को हम सोचते रहे, श्रेष्ठता की उपलब्धि है, मानवीयता की उपलब्धि है। ये भी एक बड़ा भारी भ्रम है ना, हम संसार में, हम अपने बच्चों अपने बच्चों को छोड़िए, है ना, इन जनरल भी ऑब्जर्व करिए, जैसे हम कह रहे हैं कि सफलता हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, वेन एवर यू आर कॉन्ग्रेचुलेटिंग समवन, है ना, यू आर एक्चुअली अप्रिशिएटिंग दैट पर्सन, यू आर अप्रिशिएशन मतलब होता है इस चीज को बढ़ावा देना, आपने अनुमोदन किया कि ये सही काम है ना, किसी ने कितने शोषण से है ना, किसी का पॉपुलर होने को आप देख लीजिए, है ना, कोई कितना पॉपुलर है, जैसे इंटरनेट पे आप एक अच्छा कंटेंट डालें और एक है कि बस लोग नाच रहे हैं, या कोई कोई किसी को गाली दे रहा है, या कोई कोई भी इस तरीके का कंटेंट, आप देखिए कौन सा कंटेंट वायरल होने की संभावना ज्यादा बनती है।
इससे पता चलता है कि अब उसको भी YouTube तो है, वो तो कहता है कि हम तो भाई जो व्यक्ति अच्छा कंटेंट दे रहा है या जो व्यक्ति ऐसा कंटेंट दे रहा है उसमें से बस आपके मिलियन फॉलोवर हो जाएं, है ना, तो उसको एक वो तमगा दे देता है कि भाई ये लो तुमको, आपको गोल्ड प्लेट सिल्वर प्लेट ऐसा कुछ उनका चलता रहता है। अब इसको हम उपलब्धियां भी मान लेते हैं, ठीक है, इस ऐसे लोगों को हम इन्फ्लुएंसर कह रहे हैं। आजकल इन्फ्लुएंसर होना अपने आप में एक करियर है, ठीक, इन्हीं उपलब्धियों को हम सोचते रहे श्रेष्ठता की उपलब्धि है, मानवीयता की उपलब्धि है, है ना। कितना अधिक से अधिक हम शोषण करने में सक्षम है, औद्योगीकरण के फलस्वरूप ऐसे अधिक से अधिक शोषण करने वाले लोगों को हम सम्मानित करते हैं कि भाई बहुत बढ़िया, है ना, आपने इतना काम निकलवा लिया, आपने जीडीपी का ग्रोथ इतना दिखाया, उसको हम सफल नेता मान रहे हैं, सफल व्यक्ति मान रहे हैं, ठीक। चलिए, तो इससे हम ऐसा ये भ्रम बैठता है और ये भ्रम की परंपरा को कंटिन्यू करने के अर्थ में स्वयं के अंदर एक रिफ्लेक्शन की आवश्यकता से हम नकार नहीं सकते इस आवश्यकता को। मानव के अधिकारों की उपलब्धि है शोषण मानव के अधिकारों की उपलब्धि है शोषण संघर्ष की उपलब्धि है। आगे कह रहे हैं, इन बातों को सुनकर हंसी भी आती है, अफसोस भी होता है। हम कैसे मान लिए कि हम मानव के लिए सब कुछ पा लिए, मानव का अध्ययन कर लिए? यह सोचने का, पुनर्विचार करने का मुद्दा है। शरीर शास्त्र के नाम से जो कहा जाता है उसमें केवल शरीर रचना व प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है, ठीक। तो देखिए, बाबा जी कह रहे हैं ये हंसी आती है, और ये हंसने के लिए ऐसा नहीं कि आपको जागृत होने की आवश्यकता है, ये एक जिसके पास विश्लेषण क्षमता है, है ना, ऐसा विश्लेषण क्षमता पूर्वक व्यक्ति इन बातों को स्पष्ट देख पाता है कि कैसे हम लोग बिल्कुल विरोधाभास में जी रहे हैं, है ना। कल के संवाद में जनक ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि ऐसा व्यक्ति जो, कल उन्होंने एग्जांपल दिया था, ये जो एक्टर्स होते हैं ये पान मसाला खाते नहीं है लेकिन उसका एडवर्टीजमेंट करते हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो सोचता कुछ है, करता कुछ है, कहता कुछ है, इसी का नाम अभिनेता है, है ना। तो मुझे बहुत बढ़िया लगी ये बात, मैंने कहा बात सी, उस अर्थ में तो हम सभी अभिनेता हो गए, कुछ नाटकीयता ही चल रही है जीवन में, ठीक है। तो कह रहे हैं, शरीर शास्त्र के नाम से जो कहा जाता है उसमें केवल शरीर रचना व प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है, और कहते हैं कि मानव का अध्ययन कराया जा रहा है। बाबा जी बोलते हैं ना कि मुर्दे का अध्ययन और जिंदा का इलाज, ये होगा नहीं। आप सोचिए, शरीर को काटकर मांसपेशियों को, हड्डियों को गिनकर मानव का अध्ययन किया जा सकता है क्या? जीवंत मानव शरीर में आंख कान आदि का अध्ययन करने पर मानव का अध्ययन कैसे होगा, है ना। ये तो आंख का अध्ययन हुआ, कान का अध्ययन हुआ, इससे अधिक से अधिक क्या हो सकता है? उसकी प्रक्रिया समझ जाने से हम उसको स्वस्थ रखने का विज्ञान जान सकते हैं, इससे अधिक नहीं हो सकता। इस तरह परंपरा में मानव को झूठ का पुलिंदा लादा जाता है ना, इस तरीके से कंफ्यूजन जो है ये हमें जनरेशन बाय जनरेशन, है ना, शिक्षा विधि से बाकायदा इसको प्रेषित हमारे में कर दिया जाता है, जबकि हम मानव का अध्ययन किए नहीं और डींग हांकते हैं कि हम मानव का अध्ययन कर लिए हैं। तो अभी सेल्फ रिफ्लेक्शन के तौर पर जरा हम देखते जाएं कितने बार हमारी भाषा में हम भ्रम को प्रेषित करते हैं, ठीक। अस्तित्व का अध्ययन किए नहीं और कहते हैं कि हम इस पर शासन करेंगे, है ना, प्रकृति का अध्ययन किया नहीं और कहते हैं प्रकृति पर विजय पा लेंगे, ठीक है, इस पर शासन करेंगे। इस ढंग से मानव परंपरा बोझ तले दब गई है, किसका बोझ? तो झूठ का, भ्रम का, ठीक है, इस चीज को कह रहे हैं बोझ तले दब गई है। अब दो ही विकल्प हैं, या तो इससे निकला जाए या दबकर मरा जाए। ग्लोबल वार्मिंग, फैमिली वार्मिंग के रूप में अभी तो फिलहाल हम दबे हुए हैं, अब विकल्प है, है ना, विकल्प के लिए विचार के रूप में व्यवस्था तक का प्रस्ताव सह अस्तित्ववाद के रूप में रखा है। अब भैया, या तो इसका प्रयोग करके इससे निकला जाए और या तो दब करके मर जाए। नियति ही अपने को संतुलित करती है, यह भी हमें पढ़ाया जाता है। मानव जाति जितना अति कर सकता है करने के बाद प्रकृति ऐसी परिस्थिति पैदा करेगी कि मानव इस धरती पर रहेगा ही नहीं। पर्यावरण की बात पर हम हल्ला गुल्ला सुनते ही हैं, कितना आदमी बचेगा, कितना मरेगा, इसके लिए उपाय सोचा जा रहा है। ये बड़े मजे की बात है
एक समय पर हम साईफाई मतलब साइंस फिक्शन मूवीज देखते थे, और उसमें मैंने देखा कुछ एक मूवीज देखी, तो उसमें ऐसा होता है कि अमेरिका के कुछ लोग हैं, और वो अक्सर ये अंग्रेजी मूवी मतलब बनाते हैं मूवीज इस प्रकार की, जिसमें वो भयग्रस्त होते हैं कि भाई धरती जो है वो खत्म होने वाली है, और उनने एक स्पेसशिप तैयार कर लिया है जिसमें धरती के कुछ इम्पोर्टेंट लोग हैं ना, इम्पोर्टेंट कौन है, जिन्होंने अधिक से अधिक शोषण विधि पूर्वक पैसा जमा कर रखा है, उनको लेकर के दूसरे प्लैनेट में जाने का एक कुछ ऐसा मूवी, ये इस प्रकार की कई मूवीज है ना, एक मूवी नहीं है, ऐसा दिखाया जाता है। ठीक है, तो और उसका उपाय यही सोचते हैं कि यहां से कुछ लोग जा करके दूसरे प्लैनेट पे चले जाएंगे और फिर वहां पर ह्यूमन कॉलोनी को बसाएंगे, इसका अधिक से अधिक इतना ही वर्जन निकलता है। कुछ देश वाले सोचते हैं हमारा देश बच जाए, कुछ धर्म वाले सोचते हैं कि हमारा धर्म वाले बच जाए। बचाने वाला वही है जिसे रहस्यमय ईश्वर, परमात्मा, देवी देवता, अवतार, देवदूत आदि से काल्पनिक आश्वासन उनको मिलता है, ऐसा किसी को एक नाम लेते हैं। ठीक है, जानते तो है नहीं लेकिन नाम लेते हैं कि है ना, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, इस विधि से कुछ चलता रहता है ना। और एक ये सांप्रदायिकता भी बनी रहती है, सांप्रदायिकता मतलब एक सीमा रेखा है ना, सीमा रेखा, तो इसमें कि भाई हमारा देश इसको सीमा मान लिया, हमारा धर्म को सीमा मान लिया, इस जब जब हम सीमा को पहचानते हैं तो इसे हम सांप्रदायिकता कहते हैं। तो धर्म के नाम पर, देश के नाम पर है ना, ये सब विचार चलता है। उसमें कुछ मजहब की बात रहती है, बाकी का अंत होने वाला है, यह सब कहकर कहाँ जाना चाहते हैं, क्या होगा ऐसा सोचने से। इस मुद्दे पर हमारा सोचना यह है कि धर्म और राज्य शिक्षा के नाम पर सभी भटक चुके हैं अच्छी तरह से। धर्म गद्दी में धर्म की कोई सार्वभौमता नहीं है, धर्म गद्दी के नाम पर जितने भी धर्म हैं उनमें कोई सार्वभौम धर्म का आकार नहीं है, कोई शिक्षा नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, कहाँ से धर्म को लाएं, है ना। चाहते हैं कि भाई धर्म की पुनर्स्थापना हो जाए, लेकिन कह रहे हैं यदि सार्वभौमता नहीं है, सबको स्वीकार नहीं है, तो कैसे सार्वभौमता होगी, है ना। अच्छा, ये बात अब हम ऐसे एकदम थोड़ा सा दूर से ना, व्हेन वी सी इट इन द विटनेस मोड, जब हम इसको एक दृष्टा भाव से देखते हैं तो लगता है हाँ ये तो बड़ी मूर्खता की बात है, लेकिन अन्यथा की स्थिति में इसमें फंसे ही रहते हैं। राज्य गद्दी में राज्य की कोई अवधारणा सार्वभौम तो होती नहीं है ना, जैसे ही कोई गद्दी बना लिया, जैसे ही कोई नाम दे दिया, राज्य नाम दे दिया ना, एक राज्य तो मतलब सीमा का निर्धारण हो गया। अब सीमा का निर्धारण होते ही क्या होता है, आप कट जाते हैं। इस कटाव मानसिकता से, इस भटकाव मानसिकता से एकता तो होगी नहीं। हमें राज्य को बचाने के लिए काम करना है, क्या करेंगे, संघर्ष करेंगे। संघर्ष का कुल मसाला है विद्रोह, द्रोह, शोषण और युद्ध, है ना। रिबेलियन कीजिए, फाइट कीजिए, एक्सप्लॉइट कीजिए और वॉर कीजिए, है ना, कुल मिलाकर मर जाइए या मार दीजिए, इस तरीके की अंतिम बात निकलती है। ये चार मसाला कौन बनाता है, प्रकृति या मानव। इसको देखा गया, अध्ययन किया गया तो पता लगा कि यह मसाला मानव ही बनाता है, भ्रमवश बनाता है। दिग्गज संस्था दो ही है, धर्म गद्दी, राज्य गद्दी, है ना। इस मसाला को जो तैयार करने वाली जो संस्थाएं हैं वो है धर्म गद्दी और राज्य गद्दी। सबसे शक्तिमान, सारा ताकतवर, सारा साधन जिनके पास है, ये दोनों गद्दी है, क्या बात है ना। सो सारा जो ताकत है ना उसके जो ध्रुव बिंदु के रूप में ये दो गद्दी को बाबा जी बताए, है ना, पहचान रहे हैं। ये दोनों गद्दी इस तरह से रिक्त हो गई हैं, है ना, व्यापार गद्दी का पूछना ही नहीं है, वह पहले से ही शोषण के लिए तैयार बैठी है। ठीक है, शिक्षा गद्दी से पूछा गया, उनके पास कोई मार्गदर्शन की, दिशा दर्शन की, चिन्हित लक्ष्य को पहचानने की कोई व्यवस्था नहीं है। शिक्षा गद्दी से पूछने गए तो कह रहे हैं कि भैया हमको नहीं पता ये कैसे होगा। ठीक है, उनके पास कोई दिशा नहीं है, कुछ कुछ चीजें रैंडम रैंडम एक्सपेरिमेंट्स के तौर पे होते हैं। अब बोलिए सामान्य आदमी क्या करे, ये जो चार परंपराएं हैं, धर्म, राज्य, व्यापार और शिक्षा, है ना, अभी ये जो परंपराएं हैं ये व्यवस्था का आधार नहीं बन पाई है, बस इतनी सी पीड़ा है
है ना। तो विचार जब पूर्ण हो जाएगा है ना, सह अस्तित्ववादी विचार के रूप में जब विचार की पूर्णता आएगी, तो यही धर्म गद्दी, राज्य गद्दी, व्यापार गद्दी है ना, व्यापार फिर व्यवसाय गद्दी की तरह हो जाएगी है ना, उत्पादन विनिमय के रूप में ये सब रूपांतरण इनके हो जाएंगे परिमार्जन होने के फलस्वरूप, और शिक्षा गद्दी इनसे फिर यही है ना हेल्प करने लगेंगी। क्योंकि देखिए मूल में तो एक अच्छी बात है, कहीं ना कहीं ये हमारे ही अंदर से निकला है, पर अभी जिस विचार के साथ हैं इनसे कोई रास्ता मिलने वाला नहीं। रास्ता खोजा जाए, बनाया जाए, यही साहसिकता है ना। तो एक जगह बाबा जी परिभाषा लिखते हैं उत्साह क्या है, तो कहते हैं उत्थान के लिए साहस बराबर उत्साह, है ना। अपने उत्थान के लिए साहस, हम जहां हैं वहां से कहीं, जहां हमारी इच्छा है कि हम ऐसे हों, है ना, यहां हमें पहुंचना है, ऐसा हमें होना है, उसके लिए साहस, उसके लिए अगला कदम लेना। तो देखिए कदम के रूप में हमें ये बहुत अच्छे से स्पष्ट है कि वैचारिक समाधान सबसे पहली आवश्यकता है, इससे पहले कि हम दूसरे को भी जोड़ लें, दूसरे को भी बता दें, समझा दें, स्वयं में वैचारिक स्पष्टता हो जाए। वैचारिक स्पष्टता मतलब विचार है ना, इस विचार को पूरा समझ लेना और समझ के फलस्वरूप एक व्यवस्था का सटीक चित्रण स्वयं में हो जाना, इतना काम है, पहला ये स्टेप है, ठीक है। तो कह रहे हैं रास्ता खोजा जाए, बनाया जाए, यही साहसिकता है, ठीक। वह रास्ता समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, भागीदारी रूप में सहज होगा। इस सेंटेंस को बहुत ध्यान सुनिए, कभी कभी बड़ी पीड़ा होती है कि भाई कुछ करें, कुछ करें, कुछ करना है। कह रहे नहीं, पहला स्टेप है समझदारी। समझदारी का अर्थ है जानना, किसको जानना, जो अनुभवी व्यक्ति है ना, जो कह रहा है कि मैं प्रामाणिक हूं, है ना, उसकी दृष्टि से जरा एक बार पूरा सृष्टि दर्शन हो जाए, इसको हम कह रहे हैं समझदारी, जानना। ईमानदारी क्या है, भैया जान लिया, अब बात को मान गए कि तुम ठीक कह रहे हो, आप ठीक कह रहे हैं, ये जो आप पुरुष ये नागराज जी हैं ये ठीक कह रहे हैं, है ना, इसको कहते हैं ईमानदारी। तो समझदारी बराबर जानना, ईमानदारी बराबर मानना, जिम्मेदारी है ना, जिम्मेदारी है ना पहचानना, है ना, पहचान लिया, ओ स्वयं में मैं व्यवस्था हूं, मेरा रोल कहाँ पर है, इसको पहचान लिया, इस रूप में जिम्मेदारी। तो जिम्मेदारी बराबर पहचानना, और भागीदारी स्वयं स्फूर्त घटता है, निर्वाह करना अपने आप स्वयं हमसे होगा। तो समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, भागीदारी, ये क्या है, सहज होगा, करना नहीं पड़ेगा। तो समझदारी पे फोकस कीजिए, ईमानदारी, जिम्मेदारी, भागीदारी विल फ्लो ऑन इट्स ओन, अपने आप ये घटनाएं होंगी, अपने आप में सहज है। मारपीट के रास्ते से कोई लक्ष्य मिलता नहीं, मारपीट से आवश्यकताएं पूरी होती नहीं, इसके बाद भी इसकी परंपरा बनाकर रखे हैं, यह भी बहुत बड़ा भ्रम हो गया कि नहीं, ठीक। आज मैं जब सुबह उठी तो मैं थोड़ी देर बैठ के कुछ थोड़ा चिंतन करती हूँ, तो आज मैं ये देख रही थी कि कितने गहरे में हमें प्यूनिटिव माइंडसेट कितना सेट है ना। जैसे बहुत हम कई बारी अब परेशान नहीं होते, बहुत अटैच्ड नहीं फील करते किसी व्यक्ति के साथ या किसी घटना में, लेकिन कई बारी मैं ऐसा ऑब्जर्व करती हूँ कि हमें लगता है अरे भाई अब इसने ये किया तो अब चलो ये भोगे, है ना, इस अर्थ में, या अभी इसको कहना बड़ा कठिन है इस क्लास के दौरान, पर जरूर हम इस पे कभी जन संवाद करेंगे, कि हमें लगता है कि व्यक्ति जो उसको पनिशमेंट तो मिलना ही चाहिए, है ना, और ये बहुत सटल, बहुत सूक्ष्म रूप से हमारे अंदर बड़े गहरे बैठा है, ये भी एक रिफ्लेक्शन का मुद्दा है। मारपीट के रास्ते से कोई लक्ष्य मिलता नहीं, है ना, तटस्थता विधि, मारपीट विधि, है ना, ये सब हमारे विचारधारा में कैसे बैठा है, इसको हमें एक रिफ्लेक्शन के द्वारा देखना पड़ेगा कि भाई पूरी जो जनरेशनल ट्रॉमा इसको बोलते हैं ना, ये जनरेशन बाय जनरेशन हमारे भीतर आ गया है, अब हमें एक सही विचार को देखना, अच्छा ये सही की बात है, तो इस बात से आगे क्या होता है, ये हमारा, यही हमारा साहस है, यही हमारा प्रयास है, और क्या है। मारपीट से आवश्यकताएं पूरी होती नहीं, इसके बाद भी इसकी परंपरा बना करके रखे हैं, तो एक कंपैशनेट कम्युनिकेशन कैसे किया जाए, इसकी आवश्यकता है ना। जब हम सत्य को समझ पाते हैं तो ऐसा कर पाते हैं अपने आप, ये भी सहज होता है, ठीक है। तो अब बुद्धि की बात यही है कि हम समझदार हों, समझदार अर्थात जानना, ठीक है, किसको जानना, जो जान गया है ना, जो जी रहा है उसकी बात को जान लेना, है ना, उस मैंने कहा
जो समझदार है उसकी दृष्टि से इस पूरी सृष्टि का दर्शन, समझदारी की जांच स्वयं स्वीकृत रूप में विकसित चेतना सहज अध्ययन से है। अब समझदारी की क्या है, समझदारी की जांच, अब क्या किस चीज को समझदारी कहेंगे, स्वयं स्वीकृत रूप में, है ना, अपने आप ही वो बात, जैसे आप सबसे पूछे न्याय, हमें न्याय चाहिए कि नहीं, तो आप कहेंगे हाँ चाहिए, तो स्वयं स्वीकृत रूप में विकसित चेतना सहज अध्ययन। तो अध्ययन किसका, अभी तक हमारी विज्ञानों में परंपराओं में समस्या यही है कि हम या तो शरीर का अध्ययन कर रहे हैं या मनोविज्ञान का अध्ययन करने गए तो उसमें सैंपल के रूप में किसको उठा लिया, इसी 4.5 क्रिया में जीते हुए मानव को, है ना, तो एक गलत आदमी की क्या मानसिकता होती है, इसका हम लोगों ने अध्ययन किया, कह रहे हैं भैया इसको शिफ्ट करना है। तो शिफ्ट क्या है, अब विकसित चेतना का अध्ययन है, है ना, तो विकसित चेतना के रूप में हमने किसको पहचानना है, तो आदरणीय बाबा जी श्री ए नागराज जी को पहचानना है। तो मानव व्यवहार दर्शन, है ना, अक्सर पहली पुस्तक पठन हम करते हैं तो वो क्या है, है ना, ऐसा विकसित चेतना वाला मानव, उसके व्यवहार का दर्शन, ठीक। तो समझदारी की जांच स्वयं स्वीकृत रूप में विकसित चेतना सहज अध्ययन से है। मुझको जांच कर आप समझदार हो नहीं सकते, आप स्वयं अपने को जांचेंगे तब आप समझदार होंगे। अपने भीतर जांच के देखिए आपको न्याय धर्म सत्य सुख समाधान चाहिए कि नहीं। मैं संसार का जांच जांच कर 30 वर्ष सिर कूट लिया, हमको कहीं भी समझदारी का कोई अंश नहीं मिला। जब हम 25 वर्ष प्रयत्न कर अपने को जांचा तब हमें समझदारी का ठौर मिला। विगत प्रयास से हमने जो भी पाया उसे अध्यावसायी विधि से मानव को सौंपना चाहा। इसी क्रम में यह एक प्रयास है। अंतिम पैराग्राफ को कल फिर से लेते हुए हम लोग कल का पठन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, बढ़िया। उम्मीद करते हैं कि आपने ध्यान, हाँ जी सुमन भाभी बिल्कुल बताइए जी। दीदी वो जी, दीदी जो जिम्मेदारी के परिचय बताया, जिम्मेदारी जैसे हम पहचान लेते हैं जी, फिर भागीदारी का क्या बताए थे दीदी? भागीदारी मतलब निर्वाह होना, अपने आप करना होता ही है, है ना, पहचान गए, जैसे संबंध की पहचान के रूप में बच्चे, बच्चा हमारे पास आता है ना, पहचान गए कि हमारा बच्चा है ना, हम इसकी माँ है, इसके फलस्वरूप अपने आप आपसे होता है, कर पोषण अपने आप होता है ना, ऐसा संबंध की पहचान के अर्थ में मूल्यों का निर्वाह करना बनता है। ये कोई और घटाने वाली प्रक्रिया नहीं, घटता है स्वयं स्फूर्त, ठीक, ठीक है, बढ़िया। और बताइए, अच्छा रहा, कौन सी बात आज ध्यान में आई आपके, कौन सी आपको एक नई बात लगी कि हाँ ये जगह पर मेरा ध्यान गया? जब हम बोलते हैं ना तो वो हमारे ध्यान में और गहरे चली जाती है ना, वहां से हमारा रास्ता खुलता है, इसलिए मैं हमेशा एनकरेज करती हूँ कि एक आध सेंटेंस आप भी लास्ट में कहा करिए। जी नमस्ते दीदी। जी नमस्ते, हाँ नवीन भैया जी, ये समझदारी ईमानदारी जी, इसको जो जानने मानने पहचानने निर्वाह करने से जोड़ा जी, इस पे ध्यान गया। बहुत बढ़िया, सुंदर, बहुत बढ़िया। चलिए तो और कोई कुछ कहना चाहते हैं सुमन भाभी? अभी जी हाँ जी सुशील भैया, हाँ नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ये जो आपने आखिर में बात कही कि जो भी धर्म और फिर बाद में समाज फिर राष्ट्र की जो सीमाएं हमने तय की वजह से फिर उसको प्रोटेक्शन और फिर फाइट ये जो है वो दुनिया में दिखाई दे रहा है अभी भी बिल्कुल, और कई सालों के पहले से वो शुरू है और अभी भी वही शुरू है। तो मानवता अगर हमको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करनी है जीव विद्या तो समझ की बहुत जरूरी है, जानने की बहुत जरूरी है, पर प्रैक्टिकल रूप से अगर देखा जाए तो आज इन टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन मतलब इन टर्म्स ऑफ जितने नंबर ऑफ पीपल जो जानते हैं समझदारी को वो बहुत कम है। राष्ट्र के लेवल में इतना वो इफेक्टिव भी नहीं है क्योंकि जो गवर्नमेंट है और कैपिटलिस्ट है वो जो व्यवहारवादी ज्यादा कमर्शियलाइज हो चुका है जी। और इतने सारे पैमाने में जो लोग इंटेलिजेंट है इनलाइटेंड है वो जानते हुए भी आर्म्स एमिनेशंस मतलब शस्त्र वगैरह इकट्ठा करते हैं और एक दूसरे को बेचते देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे में जीवन विद्या में या नागराज बाबा जी ने कहीं पे भी 13 पुस्तकों में कहीं पे भी इसका
जिक्र किया है क्या कि ये कहाँ जाएगा? क्योंकि अब मतलब ये कोई धर्म वगैरह के ऊपर मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ, पर अगर मैं समझाने जाऊँ एक जी धर्म को कि जी भाई आप फोकस इस चीज पे करो, जी तो वो मानने वाला नहीं है। तो और अभी संख्या की बढ़ोतरी में देखा जाए तो उस तरीके से जिसका भी है ज्यादा संख्या उसमें वो प्रबल होता जाएगा। बिल्कुल और जैसे पुराने जमाने का हम देखते हैं तो आदमी ग्रुप्स में रहता था, फिर जो ताकतवान होता था वो मां वो जो जो भी फल फूल या मांस लेके आता था उसको लीडर बना दिया जाता था। तो वह बाय डिफॉल्ट वहां से वो भय और वहां से वो लीडरशिप और वहां से वो मानना, मतलब श्रद्धा रख के आगे जाना एक के ऊपर बिना समझे जाने, ये चला आ रहा है। सही बात है, तो सही उसके ऊपर हम कुछ सोच विचार करें तो हमारी संख्या के हिसाब से जितना ये बढ़ोतरी होगी फास्ट जानने वालों की समझने वालों की वो ज्यादा अच्छी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं ठीक है ना। आप आपको जैसे जैसे हम हमारे जो आने वाले वरिष्ठ प्रबोधक लोग हैं उनको अब मिलवाएंगे ना, तो आपके प्रश्न अपने आप उत्तरित होते जाएंगे। थोड़ी सी बात कह देती हूँ एक मिनट के लिए। जैसे ही अलगाव की पहचान है ना, अभी तो हम सब हम जब भी देखते हैं तो अलगाव की पहचान के अर्थ में ही देख पाते हैं, ये अलगाव की जगह एकता को पहचानने के रूप में देखना पहले सबसे तो ये बात है ना। सहअस्तित्ववाद में जब हम मूल्यों के अर्थ में ना संबंधों के अर्थ में देखना शुरू करते हैं तो ये सबसे बड़ा शिफ्ट आता है। दूसरी बात, जैसे ही मैंने आप अभी मैं अगर ये कहूं कि अलगाव पहचानते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, बस तो तुरंत सीमा अपने आप है ना वो एक निर्मित हो जाती है। सीमा निर्मित हो गई तो सीमा की सुरक्षा और सीमा का विस्तार, बस ये दोनों कार्यक्रम बचते हैं। इसके अलावा आप देख लीजिए कोई भी धर्म गद्दी में तो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ता है, इसके अलावा कोई कार्यक्रम बनता नहीं है, है ना। तो सीमा पहचानते ही तो दो ही कार्यक्रम, सीमा की सुरक्षा कैसे हो, है ना, हम लोग कैसे प्रोटेक्टेड रहें, और उसके बाद सीमा का विस्तार कैसा हो और लोगों को कन्वर्ट कैसे कर लें, ऐसा सब विचार चलने लग जाता है। अब कह रहे हैं भाई ये तो हमें करना नहीं, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में जीना है। दूसरी बात, आपने कहा ना कि ये जल्दी जल्दी ये हो लोगों तक पहुंचे, तो जो अभी पुराने प्रबोधक है ना भैया, वो कहते हैं कि बहुत तेजी से अब फैल रही है ये बात, है ना, जो ये जन संवाद विधि से जैसे जैसे लोगों को समझ में आता जा रहा है, या जीवन विद्या परिचय शिविर करने के फलस्वरूप भी बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ समझ में आते चला जा रहा है। इसके फलस्वरूप जो हमसे थोड़े से पुराने वो कहते हैं एक्चुअली बहुत तेज गति है, मतलब इतना उन्होंने कभी अपेक्षा नहीं किया था। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को भी एक समय के बाद ऐसा लगने लगेगा, मुझे तो लगता है व्यक्तिगत रूप से। तीसरी बात मुझे ये लगती है कि हम ही वो लोग हैं भैया, हमारे जैसे लोग ही अगर पिछले जो विचार थे उनसे प्रभावित रहते हैं तो हम ही लोग जा जाके शोषण करते हैं ना। मैं थोड़ा सा अगर अपने आप को यंगर साइड में मान लूं और अगर हम इस दिशा ना चलते तो हम ही किसी बहुत बड़े व्यापार को खड़ा करते और हम ही शोषण कर रहे होते, ये तय है। मैं अपनी बात को यहाँ पर रख रही हूँ, ठीक है, और मुझे इस बात इस मुझे ऐसा करने से कोई रोक नहीं पाता क्योंकि मेरे पास जो अस्त्र शस्त्र के रूप में शिक्षा है ना वो पूरी थी, ठीक है। तो मुझे लगता है ऐसे ही एक एक व्यक्ति रुकेगा और धीरे धीरे ये चीज हो जाएगी, क्योंकि अस्तित्व सहज विधि से यदि अनुभव आया है तो भैया उसके आगे होने की भी है ना, मुझे ये सहजता लगती है कि अपने आप चीजें हो रही है और होंगी। जैसे एक दिन सहजता से ही मुझे ख्याल आ जाता है कि चलो अपन ऐसा जन संवाद शुरू कर लेते हैं, किसी को बैठे बैठे सहजता से ही आइडिया आ जाता है कि चलो अपन थोड़े वीडियोस बनाएंगे। ऐसे बहुत सारे आइडियाज, बहुत सारे कार्यक्रम लोगों के मन में आ ही रहे हैं, ये हो जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है, है ना। और देखिए मैंने आप अभी हम लोग कल ही बात कर रहे थे कि आहार का औद्योगीकरण, फिर मैंने ग्रुप में शेयरिंग भी किया कि WHO कह रहा है भाई बंद करो, है ना, मीट का प्रोडक्शन आ जाएगा, है ना, लोग पहचान लेंगे, सबको जीना है ना, और सबको सुखी होना है, इस क्रम में पहचान लेंगे, ठीक है। बाकी और चर्चा अपन करेंगे कैसे ये हो सकता है ना, ठीक है भैया, सुशील भैया। हाँ हाँ ठीक है, हाँ, मैं तो ये समझता हूँ, पर देखते हैं आगे कैसे बढ़ता है, क्योंकि क्या है कि जो देखना दिखाई देता है जग में पूरे दुनिया में वो तो बहुत डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसी दिखाई दे रही है।
भैया आपको अपनी ताकत नहीं दिखाई देती, हमारी नहीं ताकत दिखाई देती, एक व्यक्ति लेकिन वो भारत के अंदर भी, भारत के अंदर और वो भी कुल राज्यों के में कुछ कुछ जगह पे ही दिखाई देती है। और भारत की ताकत आगे जाके क्या होगी वगैरह वो तो देखेंगे। अभी जैसे मान लो, मतलब मेरा भय कहाँ से आता है मैं बताता हूँ इन शॉर्ट, सॉरी मैं थोड़ा टाइम ले सकता हूँ उसमें। समझो मैंने एक जगह प्रस्तापित की जहाँ पे जीवन विद्या की समझ के जानने के तौर पे परिवार स्थापित हुए और कर रहे, और जो दूसरा समाज है जो ये बाद में प्रोग्रेस दिखाई देता है उन्होंने अटैक कर दिया हमारे ऊपर, बाद में क्या होगा? तो हम तो समझ समझ करते बैठेंगे और वो मार देंगे हमको और जगह ले लेंगे। तो इसका सोल्यूशन क्या है? अभी वही चीज अगर जो एक जगह के ऊपर है वही राष्ट्र की है। समझो आज भारत ने ये प्रोग्रेस कर दी लेकिन पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, चाइना ने अटैक कर दिया, उनको तो इसका ज्ञान नहीं है भैया। जो ये है ना, हम लोग आर्मी वगैरह को बाद में हटाएंगे, पहले व्यवस्थाएं खड़ी कर लेंगे, पहले नहीं हटाएंगे, है ना। और एक बात और है, मैं पढ़ते समय मेरे ध्यान में ये भी आया था कि 1000 परिवार यदि एक व्यवस्था को प्रमाणित कर देंगे ना, उसके बाद ये मल्टीप्लाई होने में देर नहीं लगेगी, ये अपने आप होगा, सभी को अपने आप ही ये सब बातें स्वीकार होती हैं। अभी क्या है ना, जहां पर भी हमको ये डाउट होते हैं या हम कल्पना नहीं कर पा रहे, मतलब वहां हमारी क्लैरिटी की कमी है। ये दर्शन को पढ़ते पढ़ते क्लैरिटी आने लग जाएगी आपको, और ये विश्वास भी बन जाएगा कि हो जाएगा एक समय। भैया मैं बोलती हूँ हमेशा, 100 साल पहले हम तो कभी स्वीकार नहीं कर सकते, जैसे मुझे दहेज स्वीकार नहीं होता है ना, पर लोग आज भी चल रहा है वो समाज में, है ना। हमको कभी हम ये नहीं स्वीकार कर पाते कि हम किसी आदमी को खरीद बेच लें। एक समय था बिल्कुल खुलेआम लोग 100 साल 150 साल पहले लोग खरीद बेच रहे थे आदमियों को, है ना। तो धीरे धीरे ये हो जाएगा, है ना इसमें। और ये द्रोह विद्रोह मानसिकता से नहीं होगा, क्योंकि ये बात थोड़ी अलग है, और ये अपने आप सहजता से हो जाएगा, मुझे ऐसा विश्वास है, है ना। आप भी देखिए थोड़े समय बाद, मुझे लगता है भैया 1 साल बाद आपकी भी स्थिति बहुत अंतर उसमें आ जाएगा, है ना। और आप कहाँ सहयोगी हो जाते हैं ये भी आपको स्पष्ट होते जाएगा कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं इस व्यक्ति को बता सकता हूँ, मैं इस व्यक्ति के साथ जुड़ सकता हूँ, है ना। ये सब भी स्पष्टताएं अपने आप आती जाएंगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए बढ़िया, ठीक है, चलिए तो आज के कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं। हरिहर, आप सभी का दिन खूब शुभ हो। हरिहर, नमस्ते। हरिहर, नमस्ते।